गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देश देशांतर के अंदर बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2018-19 के बारे में। उसके बारे में बात ये की गई है, असल में दो ही पॉइंट है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब बहुत सारा परसेप्शन हुआ था, बहुत सारे जनाधार हुए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, तो उस टाइम भारत ने गुजरात में जो है सो कुछ लोगों को, नाजीवाद के जो कुछ लोग थे उनको जो है सो यहाँ पे शरण दिया था, पोलैंड के लोगों को भारत में शरण दिया था। तो ये हमारा पूरा वसुंधैव कुटुंबकम का जो बात है पुरानी है, तो ह्यूमैनिटीज़ को देने की बात जो की जा रही है, जैसे दलाई लामा हमारे भारत में चाइना के एनेक्सेशन के बाद हमारे यहाँ शरण लिया, और आपको याद होगा थैंक यू इंडिया, भारत ने भारत को थैंक यू इंडिया कहा। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि थैंक यू इंडिया किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दलाई लामा ने जो पूरे भारत में 75 वर्ष के आसपास बिताया है, 50 वर्ष के आसपास, उसको उसके लिए थैंक यू इंडिया कहा था। यही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। दूसरा, सामयिकी के अंदर बात की गई है खेलो इंडिया के बारे में। खेलो इंडिया के बारे में जो बात की गई है, यहाँ पर 10 से 21 साल के यूथ को कवर किया जाता है और इन लोगों को एक खेल का माहौल दिया जाता है। असल में किसी भी जगह, किसी भी प्लेस का, स्कूल कॉलेजेस का अगर प्ले ग्राउंड अच्छा है ना, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि इस जगह का खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये बूस्टअप करने में एक नई दिशा दिख रही है। नेक्स्ट, विशेष के अंदर अगर बात करें तो इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ बात कही है, असल में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि और IMF ने कहा है, दूसरी तमाम अर्थव्यवस्था एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है 2030 तक नंबर वन इकोनॉमी माना जा रहा है, आगे बढ़ सकता है, USA चाइना को भी पछाड़ सकता है। देखो वर्ल्ड बैंक के ये शब्द हैं, वैश्विक वृद्धि सुस्त पड़ रही है और जोखिम बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के आसमान पर धुंध छा रही है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे आप लोग कोरिलेट कर सकते हो, ट्रेड वार जो चल रहा है, USA और चाइना का जो ट्रेड वार चल रहा है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स एरा में चाहे वो सीरिया से निकलने की बात हो, ट्रंप मतलब USA का, या फिर अफगानिस्तान से, तो ये सारी बातें जुड़ती हैं इस सब के अंदर। नेक्स्ट, विश्व वर्ल्ड बैंक ने कहा है GDP में 2018-19 के दौरान 7.3% की वृद्धि होगी, 18-19 के आसपास, 19-20 में 7.5% के आसपास, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। बैंकों की पूंजी बढ़ाने और GST लागू जो हमारे यहाँ हुआ है, जो रिकैपिटलाइजेशन की बात हुई है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, और GST जो लागू हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी सराहना की है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छा बढ़ा है, ये जो GST और डिमोनेटाइजेशन हमारे यहाँ आया, इसके कारण दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हो रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, असल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर लाने में मतलब एक रास्ता तय किया है इसने। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वृद्धि ग्रोथ जो हमारे हैं, भारत से पीछे चीन चला गया है, भारत से पीछे चीन जा सकता है। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2019 और 2020 में 6.2 रहने का अनुमान है, चीन में 2021 में 6% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये भी एक संस्था है जिसने कहा है, इसकी रिपोर्ट ने कहा है, GDP ग्रोथ की लॉन्ग टर्म की भविष्यवाणी की है, और 2020 में चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। GDP और पावर एक्सचेंज रेट के बल पर चीन सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, और 2030 में ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है, आप इसको आंसर के अंदर, मेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डाटा पुराना नहीं होगा। ये हमारा भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था चाइना के बाद हमारा भारत हो सकता है, यहाँ तक कि अमेरिका को ही पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट, 2020 में भारत की GDP 7.8% के आसपास हो सकता है, मतलब ये रफ्तार बढ़ेगी। चाइना का जो 2030 के आसपास होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वो 64.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा, भारत का 46.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो ये डाटा भी आप यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिपोर्ट डाल करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, IMF का आकलन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो आकलन है, जो हमारा वर्ल्ड का इकोनॉमी है, बहुत ही भारतीय वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी से
तय होगी कि किस दिशा में किस तरह से ग्रोथ होगा, मतलब भारत की भूमिका अच्छी होगी जो आज चीन कर रही है। नेक्स्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, 15% का योगदान हो सकता है। भारत लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी बन सकता है, मतलब आगे लीड कर सकता है। जैसे आपको याद होगा, मैं कनेक्ट करूं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भारत के बारे में हमने बात की थी कि भारत एक अच्छा भूमिका निभा सकता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2, 3 में तो हम ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन 4 में क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। इसे आप कोरिलेट कर सकते हो। और आपको याद होगा जुलाई के आसपास का न्यूज, तो जुलाई में हमारा भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था, और पीछे छोड़ने के बाद छठे स्थान पर भारत आ गया था और सातवें स्थान पर फ्रांस चला गया था। एक दशक पहले भारत की जीडीपी फ्रांस की आधी थी, लेकिन धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले गए। यही बातें हैं इसके अंदर कही जाती हैं। और आपको याद होगा अगेन, कुछ दिन पहले नीति आयोग ने एक दस्तावेज तैयार किया है, न्यू इंडिया एट द रेट 75, और इसके अंदर हमारे यूपीएससी के एज कम करने की बात की गई थी, आपको याद हो तो। इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है 2018 से 23 तक हमारे भारत के जीडीपी को 8% जीडीपी का लक्ष्य तय करना है, यहाँ तक लेके जाना है। मतलब कुल मिलाकर के ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने को, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर को कोशिश कर रहा है, जो हमारे फार्मर्स की इनकम की डबल इनकम की जो 2022 तक जो गवर्नमेंट का जो प्लान है इसको आगे बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। कृषि का बाजार बढ़ाने और गांवों को सड़क और इंटरनेट से जोड़ने का सुझाव दिया गया। ई राष्ट्रीय कृषि, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जरिए एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात, किसानों को कृषि उद्यमी में परिवर्तित करने पर बल, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर जोर। आपको याद होगा रिकनेक्ट करो सिक्किम को जो हमने दिया है, ऑर्गेनिक का दर्जा, ऑर्गेनिक खेती का दर्जा, खेती की लागत में कमी लाने का लक्ष्य, मतलब खेती करने में कम पैसा खर्च हो। सॉइल हेल्थ कार्ड तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, लेकिन और इसको इन्हांस करने की बात की जा रही है, रोजगार लोगों को देने की बात की जा रही है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारा जो पोर्ट है, जो उस पर जो हमारा माल ढुलाई होता है, हमारा जो सामान जाता है एक स्टेट से दूसरे कंट्री, इसको भी आगे बढ़ाने की बात इस 75 स्ट्रेटजी में कही गई है। आईटी को भी आगे बढ़ाने की बात की गई है, एक मंच प्रदान करें, हमारा जो 2.5 लाख गांव है इनको अगर डिजिटल रूप से जोड़ दें तो और आगे बढ़ेगा। ये नीति आयोग का ये सब प्लान है, ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर बोली जाती हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।